देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सभी युवा संगठनों, महिला सभा एवं अन्य सभी प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी कार्य परिषद के सम्मेलन के बाद नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से ही कार्यकारिणी भंग करने की संभावना जताई जा रही थी। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का पद भी अभी बहाल रखा गया है। हालांकि पार्टी ने इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद हाल ही में सपा को अपना गढ़ मजबूत करने के लिए इसकी जरूरत महसूस हुई है। सपा का गढ़ माने जाने वाले रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भी पराजय मिलने के मद्देनजर साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए ये कवायद की गई है। ये पहला मौका नहीं है जब अखिलेश ने ऐसा निर्णय लिया है। इससे पहले 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद भी ठीक ऐसा ही फैसला लिया गया था। सपा यूपी की 80 में से केवल 5 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी, जिसके बाद आज की ही तरह सपा ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी इकाइयों के अध्यक्ष को हटा दिया था। उस वक्त भी नरेश उत्तम पटेल ही प्रदेश अध्यक्ष थे, और जिस तरह से हार की समीक्षा करने की जरूरत महसूस हुई अखिलेश को, तो अब कार्यकारिणी को भंग किया गया है। अब सभी पद पे नए पदाधिकारी बैठाए जाएंगे और सपा को मजबूत करने की कवायद को और तेज किया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला है। सपा की तरफ से हार की समीक्षा भी होगी और इसी पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राम निवास यादव जी जुड़े हैं बीजेपी से, गजेंद्र त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मौजूद हैं, और सपा से नितेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल भाजपा से, किस तरह से देखते हैं सर आप इस निर्णय को? सपा ने जो ये निर्णय लिया है, कैसे बीजेपी को कोई फर्क पड़ेगा? जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है, तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हार, चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ऐसे निर्णय करते हैं, क्योंकि 2019 में उन्होंने किया और उत्तम पटेल जी को बचाए रखा। वैसे जब 2022 में चुनाव बुरी तरह हारे, तो उत्तम पटेल जी को छोड़ के सबको भंग किया। जिस प्रकार से चुनाव हारने के बाद इनके खिलाफ पार्टी में बगावत हो रही थी, आवाज़ उठ रही थी कि लगातार हम अखिलेश जी के नेतृत्व में चुनाव हार रहे हैं, इनको हटाया जाए। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बेमेल गठबंधन करके शिवसेना ने आघाड़ी सरकार बनाई थी, उसके सांसद विधायक लगातार विरोध कर रहे थे, वो नहीं माने, देखिए आज वही खुदे पैदल हो गए। तो ये डर जो शिवसेना का महाराष्ट्र पकड़ हुआ है, उसके बाद अखिलेश जी को डर लग रहा था कहीं ऐसा न हो कि ये हाल हमारा हो जाए, इसीलिए उन्होंने पहले ही भंग कर दिया। और हम लोग तो लगातार कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी अब ये समाप्तवादी पार्टी हो गई है, इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इनके नेता जिस प्रकार से राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए विपक्ष में रह के प्रदेश के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में बातें करते हैं और मोदी जी, योगी जी की आलोचना करते हैं, उससे इनका वोटर भी, और खासकर समाजवादी पार्टी का कोर वोटर यादव समाज, वो भी इनसे नाराज था। यही कारण है कि इन्होंने भंग करके कि ऐसी नौबत ना आए जिस तरह से महाराष्ट्र में हुई। नितेंद्र जी, आप क्या बताएंगे सपा के इस कार्यकारिणी भंग के पीछे की क्या वजह है? और इस बार भी पिछली बार की तरह ही सिर्फ नरेश उत्तम पटेल का पद वहीं का वहीं है, बाकी सबका पद बदला जाएगा, क्यों, क्या वजह है? देखिए ऐसा है, ये संगठन का भंग होना और संगठन का नया गठन होना, ये संगठन की सामान्य प्रक्रिया है जी। ये हमेशा पहली बार थोड़ी ना होता है, या इसका मतलब जैसा भी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कार्यकारिणी भंग और समाप्तवादी पार्टी बता रहे हैं, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को तो हर 3 साल में समाप्त हो जाना चाहिए। जब जेपी नड्डा आए तो इसका मतलब समाप्त हो गई थी राजनाथ जी के नेतृत्व में, या अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी समाप्त हो जाती। ये किस तरीके से बचकानी बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते हैं, तो शर्म आती है इन लोगों पर। क्या आपके यहाँ जो संगठन बनाने की प्रक्रिया है, हर महीने आप चुनाव कराते हैं, हर 3 महीने में आप संगठन कार्यकारियों का फेरबदल करते हैं,
कभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी होते हैं, कभी केशव मौर्य होते हैं, कभी स्वतंत्र देव होते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? आप जिस तरीके का स्थान डाले, ये सामान्य प्रक्रिया है संगठन को जो सुदृढ़ करने के लिए। चुनाव के पहले पांच साल, हमारा पांच साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया, हमारे यहाँ पांच साल का संविधान है, चुनाव होता है, बाकायदा मेंबरशिप होती है, इसका सम्मेलन होते हैं, तो उसके पूर्व संगठन को भंग किया जाता है और इसके बाद में अभी सारी मेंबरशिप होगी और एक फ्रेश चुनाव होगा और उस चुनाव प्रक्रिया के तहत नई कार्यकारियों का गठन होगा। एक सामान्य प्रक्रिया रूप से भारतीय जनता पार्टी कहा महाराष्ट्र लेके जा रही है शिवसेना, ये तो सरकार का गठबंधन है क्या? जिस तरीके से जनरल बातें करते हैं, तो ये जरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी और अपने बारे में सोचना चाहिए। ये दूसरों के घरों में कब तक सोचते रहेंगे ये मुझे नहीं समझ में आता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये सामान्य प्रक्रिया है समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन को राजनीति से लेकर के जिले तक सारा संगठन को इस तरीके से बंद किया है। पुरानी एक जो मेंबरशिप की प्रक्रिया होती है, उस मेंबरशिप प्रक्रिया के बाद में अभी हम लोगों का सम्मेलन होंगे और पुनर्गठन होगा संगठन का, और उससे हमारे कार्यकर्ता फिर से तैयारी करेंगे। सबको आगे बढ़ने की इच्छा है, सबको चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, सभी को राजनीति में पद पाने की इच्छा होती है, तो अपने अपने तरीके से वो मेंबरशिप करेंगे, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया होगी। सामान्य सी प्रक्रिया है, इससे कोई घबराहट और आगे लोकसभा के चुनाव को देखते हुए हम लोगों को मजबूत संगठन बनाना है, बहुत स्तर का संगठन बनाना है, तो उसकी तैयारी है। ये भंग करना मतलब एक बड़ी तैयारी है करना, इसका मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से बैठ करके बहुत हल्की बातें बोलते हैं, कभी कभी इन लोगों की छोटी बातों को शर्म आती है। गजेंद्र जी, आपको क्या लगता है, ये एक राजनीति की सामान्य सी प्रक्रिया है या फिर जिस तरह से इस बार बदलाव किया जाएगा उससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो हार का अंतर था वो पिछले चुनावों से इस बार में काफी देखने को मिला है। बीजेपी को जीत तो जरूर मिल रही है लेकिन जो अंतर है वो कम होता जा रहा है, तो जो कार्यकारिणी की जो भंग करी गई है और अगली बार जो गठन किया जाएगा उससे कुछ फर्क देखने को मिल सकता है? देखिए, दो चीजें हैं, एक तो समाजवाद, एक अंतरराष्ट्रीय विचारधारा है। कोई एक गली कूचे से नहीं आता है समाजवाद जी। जब अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है तो उस विचारधारा के अनुसार तमाम देशों में पार्टियां कार्य कर रही है जी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी उसी विचारधारा पर कार्य कर रही है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी जी। जिस पार्टी में लोकतंत्र है वहां पर यह चीजें रखी जाती हैं, ऐसे ही प्रक्रिया से कार्य किया जाता है। और जो अखिलेश यादव जी ने किया वह उचित है और अपनी पार्टी के लिए हर कोई व्यक्ति आगे आने का प्रयास करता है जी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां रहा हार और जीत की बात, निश्चित तौर से हार और जीत का अंतर कुछ सीटों को अगर आप देखेंगे तो वह 2-4-5 हजार के आसपास है जी। अब जो नई व्यवस्था में ये नई जो कार्यकारिणी आएगी वह कार्यकारिणी मेरे ख्याल से अखिलेश जी ने बहुत विचार किया होगा और अपना जो उनका किचन कैबिनेट है उससे बाहर इस बार वो आएंगे, आना पड़ेगा उनको जी। क्योंकि कुछ लोग उनको घेर के बैठे हैं और जब लोग उनको घेर के बैठे हैं तो वह अपने दिमाग का सही इस्तेमाल वह कर नहीं पा रहे हैं और उससे बाहर इनको इस बार निकलना पड़ेगा क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि इससे बाहर यदि हम नहीं आते हैं तो आने वाला भविष्य समाजवादी पार्टी का अंधकारमय रहेगा। इसलिए वह ऐसा निर्णय लिए हैं और यह निर्णय उचित है। और जहां तक हार और जीत की बात है, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव है, प्रक्रिया है, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन जो पार्टी आज शीर्ष पे बैठी हुई है उसके ऊपर भी कभी ऐसी ही बातों को कहा जाता था जी। कि दो लोगों की पार्टी है, दो लोगों की पार्टी, बहुत अपमान उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर सहा। तो इस बात को समझना चाहिए कि कौन सत्ता में कब आ जाएगा और जो सत्ता जनता द्वारा दी जाता है, कोई सत्ता का गणित किसी के घर में नहीं बनता है जी। जनता जब समझती है कि इस मुद्दे पर हमें वोट देना है, वह मुद्दा जब भी जिसके हाथ में आ जाता है, आप देखे होंगे कि दिल्ली के अंदर प्याज पे सरकार गिर जाती है जी। जनता को समझ में आता है और जो समझ में आ जाता है वही होता है। इस बार समाजवादी पार्टी ने के लगभग सभी कैडर
ये जानते थे कि हम सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां रही हैं और उस कमियों को दूर करने के लिए ही इस तरह की प्रक्रिया यहां पर अपनाई जा रही है, जिसका भविष्य में देखने को मिलेगा बिल्कुल कि क्या रिजल्ट है। जी राम निवास जी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने इतनी हार और हार का जो रिजल्ट आया है उससे मजबूर हो गया अखिलेश कि नए सिरे से सब शुरुआत करे, नए लोगों को मौका दे, नए चेहरों को मौका दे? नहीं, शिखा जी अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में संगठन बदलता है, बनता है, नया लोग आते हैं, वैसे मना रहे हैं। हमारे यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष भी बदलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते हैं, लेकिन क्या इनके यहाँ बदलेंगे? इनके वहाँ तो जैसे मैंने कहा ना, शिवसेना का उदाहरण लिया, जैसे शिवसेना में संजय राउत जी हैं, वो कभी नहीं हटते, एक सिंगल पद उनके पास जब तक पार्टी रहेगी वो रहेंगे। वैसे उत्तम पटेल जी, जब तक अखिलेश जी इस पार्टी के मुखिया रहेंगे तब तक उत्तम पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। जैसे शिवसेना में संजय राउत जी हैं, वैसे उत्तम पटेल जी यहाँ संजय राउत हैं जी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के संगठन से तुलना करने की, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, लोकतांत्रिक संगठन है, जिसमें छोटा से कार्यकर्ता भी बड़े पद पर जा सकता है। क्या समाजवादी पार्टी में समूह है? अभी गजेन जी कह रहे थे कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करती, समाजवादी पार्टी वैसे कर रही है, बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी का तो हर 3 साल बाद प्रदेश अध्यक्ष बदलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता है, नीचे से ऊपर सारी इकाइयाँ बदलती हैं, अधिकतम 2 बार रखने का है। इनके वहाँ तो आजीवन, भाई पिताजी नहीं रहेंगे तो बेटा रहेगा, अब बेटा नहीं रहेगा फिर उनका बेटा रहेगा। ये तो एक ये तो परिवारवादी पार्टी है, और एक परिवार को बचाने के लिए, एक परिवारवादी पार्टी को बचाने के लिए इसे भंग किया गया है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2019 में ऐसे किए थे, 2022 में हार गए, 2022 में किए, 2024 फिर हारेंगे, क्योंकि इनकी स्पष्ट नीति नहीं है। और अब देश के प्रदेश की जनता का मूड बदल गया है। लेकिन हार का जो लोग राजनीतिक जो राजनीतिक दल समाज को, राष्ट्र को लेके आगे चलेगा, सबको लेके चलेगा, वही आगे बढ़ेगा। परिवारवादी दल जहां पर भी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बिहार में हो, सब खत्म हो जाएंगे। नितेंद्र जी, एक बार फिर परिवारवाद का आरोप लगाया, और नरेश उत्तम पटेल का जो अध्यक्ष पद है वो वैसे ही बरकरार है, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? शिखा जी, राम निवास जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये लोग तो चाहते हैं कि अब सिर्फ इस देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई रहे ही ना, पूरी दुनिया खत्म हो जाए, सिर्फ वही बचेगा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। जिस तरीके से ये लोग अहंकार और दम में चूर हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरीके से अघोषित आपातकाल घोषित कर दिया गया है, जहां उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी का दंश झेल रहा है, हत्या, बलात्कार, लूट आम बात हो गई है, सामूहिक नरसंहार लगातार हो रहे हैं, थाने के अंदर जिस तरीके से पीड़िता के साथ थानेदार बलात्कार कर रहा है, होटल के अंदर व्यापारी मारा जा रहा है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का सुशासन राम निवास जी को बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। और अगर कोई विपक्षी, चाहे वो पत्रकार हो या राजनीतिक दल हो, आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ पुलिसिया उत्पीड़न कराया जाता है, झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं। आज लोकतंत्र में यह स्थिति नहीं रह गई कि कोई दल अपने पिता की चित्र पर माल्यार्पण करके एक कार्यक्रम कर ले। कल जिस तरीके से आपने लखनऊ के अंदर देखा कि पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल जी के साथ जिस तरीके से हुआ, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने सारी लोकतांत्रिक परंपराओं को समाप्त कर दिया है। अब वो जिसको चाहेंगे कार्य करने की इजाजत देंगे, जिसको चाहेंगे कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं देंगे। इस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में कायम हो चुका है और जनता के अंदर गुस्सा उबाल ले रहा है। और ये अभी 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देगी। और रही बात इनकी कि हमेशा चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से बातें करते हैं समाप्त हो गई, तो इस तरीके तो अगर आप पुराना इतिहास उठा करके देखो, अटल बिहारी के जाने के बाद 10 साल 2 कार्यकाल मनमोहन सिंह के रहे, तो भारतीय जनता पार्टी को समाप्त हो जाना चाहिए था। कल्याण सिंह जी के बाद, राजनाथ सिंह के बाद भारतीय जनता पार्टी कई सालों तक नहीं आई, तो भारतीय जनता पार्टी को समाप्त हो जाना चाहिए था। एक तो चुनाव हार जाने से
जनता ने अगर बदलाव की इच्छा थी, जनता ने बदलाव कर लिया, तो इसका मतलब ये दूसरे लोग तांत्रिक पार्टियों को समाप्त कर देने की बात करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी दंभी और अहंकारी पार्टी हो गई है। ये भी दो लोगों की, हम दो और हमारे दो से चलने वाली पार्टी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस बार आप घोषित करोगे कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नया प्रधानमंत्री लेके आओगे? तो आपने कहा था 75 साल उम्र की लिमिटेशन होगी, आपकी हैसियत हो, जरा डिक्लेयर कर दो कि नरेंद्र मोदी के बाद अगला चुनाव आप किसके चेहरे पर लड़ने जा रहे हो। आप अमित शाह को माइनस करके जरा भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक हैसियत बताओ। 71 से आप इतने सालों से 1950 से लेकर के आज चले आ रहे हो, जनसंघ की स्थापना से लेकर के और आज के दिन तक भारतीय जनता पार्टी कितने साल से संघर्ष कर रही है, आज जाकर के सत्ता में आए हैं और इतना दंभ और इतना अहंकार हो गया है कि अब आपका जो ग्रेविटी फोर्स काम करेगा, जितने शीर्ष में जाना था जा चुके हो, अब नीचे आने के दिन आ गए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी की जो मैक्सिमम हाइक हो चुकी है, अब उसके नीचे गिरने के दिन आ गए हैं और अभी 2024 से इसका पतन शुरू होगा। और आप सब भी देखेंगे, आपके दर्शक भी देख रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होने जा रहा है। और रही बात लोकतांत्रिक परंपरा पार्टी की, पार्टी किसके नेतृत्व में चलेगी ये पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र तय करता है। हमारी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव पर आस्था रखती है, आदरणीय अखिलेश यादव पर विश्वास रखती है और उनके नेतृत्व में ही हम लोगों ने गजेंद्र जी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले रामनिवास जी आपसे चाहूंगी कि आप जवाब दें कि जिस तरह से पीएम कैंडिडेट की बात करिए, तो क्या कोई और पीएम कैंडिडेट है, सवाल किया जिस तरह से सपा ने, उसका क्या जवाब देंगे? नहीं, अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बोल रहे थे कि लोकतांत्रिक पार्टी हमारी जी। कितनी हास्यास्पद बात है कि जिस पार्टी में आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष न बदला गया हो और प्रदेश अध्यक्ष की पूरी जिंदगी रहता है, प्रदेश अध्यक्ष, बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा प्रदेश अध्यक्ष, वो लोग कहते हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी हमारी, कितनी हास्यास्पद बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अखिलेश जी को आप हटाएंगे या कोई बनेगा दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष कोई दूसरा बनेगा आपके यहाँ? आपके यहाँ फिक्स है कि वो दोनों लोग रहेंगे, बाकी सब आएंगे जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ बूथ अध्यक्ष भी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन आपके यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। आपके यहाँ अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो नेताजी के परिवार बनेगा, या अखिलेश जी बनेंगे या उनके आने वाली पीढ़ी बनेगी, और कोई नहीं बनेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी को ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, एक परिवारवाद की, परिवार की पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, और इसका नाम तो समाजवादी पार्टी हटा ही देना चाहिए। लेकिन नितेंद्र जी के जवाब नहीं दिया आपने, क्योंकि उन्होंने पीएम की हैसियत नहीं जवाब देने की, इनकी हैसियत नहीं, ये जनता का चुनाव है। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने घर में बैठ करके बना ली थी, ये जनता ने उनको चुना है। दो बार, तीन तीन बार नेताजी को माननीय मुख्यमंत्री बनाया है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाया, पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है 2012 में, और आप इस तरीके की बात करेंगे? इसका मतलब है आप उत्तर प्रदेश के उन मतदाताओं को और गाली दे रहे हो जिन्होंने उनको चुना और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, नेताजी को रक्षा मंत्री बनाया। आप इस तरीके के आरोप लगा करके उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के आशा और विश्वास को नकारने का काम कर रहे हैं। आप बताइए नरेंद्र मोदी के अलावा बताइए दूसरा नाम? नहीं, नितिन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी के अलावा कोई दूसरा तक बना? जब से अखिलेश जी ने कब्जा किया, अखिलेश जी बने हुए, हम कहते हैं आपकी हैसियत है कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा बना सकते हो, क्योंकि आप बिल्कुल लोकतांत्रिक पार्टी, उसको मत कहिए, आप कहिए, स्वीकार करिए जनता के बीच कि हम परिवारवादी हैं, परिवार के लोग मिलकर चलाते हैं, आगे चलाएंगे, जनता हमको वोट देना हो दे। भाई जनता आपको 2014 से लगातार आपको हरा रही है, 2014 हराई, 17 हराई, 19 हराई, 2022 हराई, आपका लगातार हारने क्रम जारी है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है, सब पर विश्वास करती है, सबका विकास का काम करती है, तो लगातार जीतती चली जा रही। 2014 में जीते, 17 में जीते, 19 में जीते, 2022 जीते, 2024 फिर जीतेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, ये हम आपके मंच से कहना चाह रहे हैं। लिमका बुका रिकॉर्ड में आपका नाम आएगा, हारने में 70 से चले आइए, 70 सालों में कितने चुनाव हारे हो? आपके वो दिन थे कि जब उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें विपक्षी पार्टी, सत्ता की पार्टी जीती थी, और आपके नेताओं को सत्ता ने यह मौका दिया था कि अपने लोगों का इस्तीफा कराकर आपके नेताओं को सदन में 2 सीटें दी गई थी। आप उस पार्टी का इतिहास हमें बताओगे? राम निवास जी, ये अटल जी, अडवाणी जी जैसे लोग भी चुनाव हार गए थे, और इसके बाद
कांग्रेस पार्टी ने अपने दो लोकसभा सदस्यों से इस्तीफा करवा करके आपके नेताओं को सदन में बुलाया था। ये लोकतांत्रिक परंपरा है, आपका इतना बड़ा दिल कभी हो नहीं सकता है। आप हारने की बात करोगे? 2002 के बाद क्या स्थिति थी? अटल जी की सरकार जाने के बाद 10 साल तक कहां थे? उत्तर प्रदेश में कितने साल बाद आए हो? राजनाथ सिंह के जाने के बाद आप कहां थे? कानून व्यवस्था बात होने लगी थी। अब समाजवादी पार्टी भी अगर यह बात कहती है, सरकार आपकी कानून व्यवस्था के ही मुद्दे पे उत्तर प्रदेश से खत्म हुई जी। आपके सरकार में, आपके कार्यकाल में कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश बिल्कुल समाप्त हो गई थी, एक तरह से चरमरा गई थी। इस वजह से जनता ने आपको विपक्ष में बैठने का मौका दिया। और आप समाजवाद हैं, ये ध्यान रखिए, आप समाजवादी हैं। वह एक राष्ट्र की पार्टी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम देशों में स्ट्रक्चर है। तो यह चाहे आप एक सीट पर भी रहेंगे या आप शून्य सीट पर भी रहेंगे, समाजवाद इस देश में जिंदा रहेगा और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है हमारे देश की। अहंकार होता है, लोग जब सत्ता में आते हैं दम हो जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। अपना अपना समय लोगों को भूल जाता है। आज जो सत्ता में है, विपक्ष में रहे हैं वो, लेकिन विपक्ष का जो मूल्य है वह आज के सत्ता में जो लोग हैं उन लोगों को भी समझना चाहिए। और जहां तक बात है परिवारवादी व्यवस्था की, निश्चित तौर से यहां पर चिंतन तो करना ही पड़ेगा कि एक व्यक्ति अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष है और लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो विपक्ष इस पर अपना प्रश्न तो लगाएगा ही लगाएगा, और उसके उसका उत्तर देने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। गजेंद्र जी, एक सवाल और है मेरा। जिस तरह से बात कही गई थी अभी कि बीजेपी जीतेगी जीतेगी, सपा हारेगी हारेगी, तो क्या इसके पीछे एक वजह ये भी नहीं है कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है, कमजोर है कहीं ना कहीं? क्योंकि सपा अकेली है अखिलेश यादव के नाम पे, क्योंकि अखिलेश अपने वरिष्ठ नेताओं का साथ नहीं चाहते हैं, अपने मन की चलाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी वरिष्ठ नेताओं से बनती नहीं है। और बीजेपी के पास पूरा कुनबा है, वो चाहे राष्ट्रीय हो या फिर राज्य हो, सभी नेता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। दो चीजें हैं, देखिए मैंने अभी आपसे कहा ना कि जो इनका किचन कैबिनेट है उससे बाहर आना पड़ेगा, जो इनको घेर के बैठे हैं, जो इनको घेर के बैठे हैं उनसे जब ये बाहर आएंगे तो ये बताइए मुझसे, वह अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुके हैं, सरकार को चला चुके हैं जी, किसी का सपोर्ट नहीं लिया उन्होंने। 76 पार्टियां मिलकर के ठीक है चुनाव उनके साथ में नहीं लड़ी, इसलिए सोचना पड़ेगा। चुनाव कभी भी जीता जा सकता है, या कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। अभी आप देखें महाराष्ट्र में स्थिति क्या बनी। तो जहां संख्या बल की बात है, संख्या बल लोकतंत्र में बहुत माने रखता है, आज वहां पे सरकार बदल गई, किसी ने सोचा था जी? ऐसे ही यहां की जो स्थिति है, इस स्थिति पर अखिलेश यादव ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय का समाजवादियों को स्वागत करना चाहिए। विपक्षी कुछ भी कहे क्या फर्क पड़ता है जी? और भारतीय जनता पार्टी के पास एक स्ट्रक्चर है इस देश में, बिल्कुल, और वह स्ट्रक्चर कोने कोने में है। संगठन का वह ढांचागत व्यवस्था है जिससे आज विपक्ष लड़ने को तैयार नहीं है। ऐसा संगठन बना करके ही इनके साथ लड़ा जा सकता है, और वह संगठन जातिवादी नहीं होगी, समाजवादी होगी। जब समाजवाद में आ पाएंगे तो आपको हर व्यक्ति को उस स्ट्रक्चर में रखना पड़ेगा, और जब हर जाति के लोग उस स्ट्रक्चर में रहेंगे तो लड़ना आसान होगा।
कई। नितेंद्र जी, आपको क्या लगता है, कार्यकारिणी भंग कर दी गई है, अब की नए चेहरों को, युवा चेहरों को, महिलाओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन क्या समीक्षा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही के कई नेता ऐसा कह चुके कि एसी कमरों से अखिलेश बाहर निकले, जमीनी स्तर पर जाए और जनता के बातों को सुने, उनके दुख को सुने, उनके बीच पहुंचे, तो क्या लगता है कब अखिलेश को इस चीज की जरूरत महसूस होगी? शिखा जी, निश्चित रूप से संगठन इसीलिए भंग किया जाता है कि उसका पुनर्गठन हो, नए कार्यकर्ताओं को मौका मिले, पुराने लोगों का प्रमोशन हो। जैसे राम निवास जी कभी जिला अध्यक्ष हुआ करते थे लखनऊ के, आज प्रवक्ता हैं, कल इनको नई जिम्मेदारी मिलेगी। हम लोग भी कभी जिले में थे, प्रदेश में आए, राष्ट्रीय में गए, तमाम। तो यह प्रक्रिया होती है संगठन की कि पुराने लोगों ने, ऐसा नहीं कि जो पुराने लोग काम कर रहे थे वो बिल्कुल बेकार थे, उनको भी नई जिम्मेदारी मिलेगी। जो जिले में थे वो प्रदेश में आएंगे, जो क्षेत्र में थे वो जिले में काम करेंगे, जो और नए लोगों को बूथ स्तर तक, वार्ड में, जिले में काम करने का मौका मिलेगा। पार्टी बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की एक फौज है जिसमें सबको कभी न कभी कोई जिम्मेदारी मिलती है। ये एक प्रक्रिया है सामान्य रूप से। मैं भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी पे नहीं जाऊंगा कि उनका वो किस नजरिए से देखते हैं, ये हमारी आंतरिक मामला है। हमने संगठन को कब भंग करना है, कब पुनर्गठन करना है, कब किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, किसके क्षमता का क्या लाभ पार्टी को लेना है और लोगों को कहां मौका देना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया के तहत संगठन का पुनर्गठन होगा, सारे लोगों को, तमाम। बार बार ये लोग जो बात कहते हैं हम लोग उससे सहमत नहीं, हमारी पार्टी वास्तविक समाजवादी विचारधारा की पार्टी है, जहां सभी मतपंथ संप्रदाय के मानने वाले लोगों को मौका दिया जाता है पार्टी में काम करने का। ये लोग तो सिर्फ दो बातें कह देते हैं, जैसे नरेटिव चलाने लगते हैं, एमवाई करने लगते हैं। हम लोगों के यहाँ सबको मौका दिया जाता है। आपने जब बार बार कह रहे थे नरेश उत्तम पटेल को याद होंगे क्या कि मुसलमान है, बार बार एमवाई की बात करती है, तो वो भी एक समाज से। ऐसे सभी पदों पर हमारे यहाँ जब आप कार्यकारिणी देखेंगे तो तमाम मत पंथ समुदाय के मानने वाले सभी जाति धर्म के लोगों को जगह दी जाती है और उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार हम लोग काम लेते हैं। जो बार बार भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव चलाती है एसी की, क्या आप लगातार देख नहीं रहे उत्तर देने आप? की घटना हो रही है तो माननीय अखिलेश यादव जी 5 मिनट के अंदर वहाँ ललितपुर पहुँचने का काम करते हैं, मिर्जापुर में घटना होती है, चंदौली में घटना होती है। एक मिनट आप बताइए, उत्तर प्रदेश में लगभग 14-16% ब्राह्मण है, ठीक है, कितने जिला अध्यक्ष आप क्या हैं वो ब्राह्मण मुझे बता दीजिए, कितने जिला अध्यक्ष ब्राह्मण है? आप हमारी पार्टी की परंपरा को नहीं जान रहे गजेंद्र जी, क्या बात? बिल्कुल आपके पार्टी के परंपरा में ही बात कर रहा हूं मैं। प्रसाद पांडे से शुरू करिए। अरे सुनिए तो भाई, आज मैं आपसे जो पूछ रहा हूं बता दीजिए मुझे, पिछले पांच साल में बता दीजिए। चलिए आप हमारी, पहले गजेंद्र जी आप सुनना नहीं चाहते हो, आप देखिए हमारे यहाँ परंपरा, हमारे यहाँ सर्वोच्च स्थान पर ब्राह्मण को बिठाया गया। हालांकि हम जातिवाद की बात नहीं करते, चर्चा तो नहीं करनी बात चाहिए, लेकिन आप आदरणीय मेरी बात होगी, बस की बात करेंगे आप लेकर ट्रेन की। नाम पर कितना बड़ा, मैं सिंपल बात आपसे पूछ रहा हूँ, 5 साल में जिला अध्यक्ष कितने हैं ये बता दीजिए आप। चुनाव लड़के आया कानपुर में, अरे आप फिर आप कह रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जिला अध्यक्ष की, आप जा रहे हैं लेकर के विधायक के चुनाव पे। आप सुनना नहीं चाहते हो, आप सुनना चाह रहा हूँ महोदय, मैं आपसे सामान्य प्रश्न कर रहा हूँ, उसका उत्तर नहीं है, बोल दीजिए उत्तर नहीं है। चलिए, अरे आप सुनने नहीं चाहते जिस तरीके की बात करो, आप समाजवादी परंपरा ही को ना जानते हो। हमला के समाजवादी परंपरा, समाजवादी व्यवस्था, ये आपको उठाने का पूरे विश्व का जानता हूँ। के नाम से पूछेंगे परशुराम जी के नाम पर, अरे कैसी बात करते, कहाँ चले गए, क्या प्रश्न है? मैं पूछ रहा हूँ कितने जिला अध्यक्ष 5 साल में थे, वो उत्तर नहीं आपके पास, सीधा परशुराम जी चले जाएंगे। तो बोलने भी नहीं देना चाहते दूसरे को, बीच में आप तो आपके प्रश्न पूछिए, आप सुनिए। हमारे यहाँ जिस तरीके की परंपरा है, आप लाइन से उठा करके देखिए, चाहे हमारे यहाँ अयोध्या से शुरू करिए, जो राम की जन्मभूमि, वहां से लेकर के हम लोगों ने, और हर जिले में हर चेहरे को, हर जात के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। अयोध्या से पवन पांडे शुरू करिए, मनोज पांडे से लेकर के, और माता प्रसाद पांडे से लेकर के, आप ममता बाजपेयी से लेकर, सुनील शुक्ला से लेकर के, आप मुनीर शुक्ला ले, इतने हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न क्या था मुझे बताइए, हमारे आपसे जिला अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, आप लेकर के आ गए। जिला अध्यक्ष भाई, आप कहाँ गलत बात कर,
कानपुर में मुनीर शुक्ला 13 साल जिला अध्यक्ष रहे। अरे मैं पूछ रहा हूँ कितने जिला अध्यक्ष दिया आपने उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कितने जिला अध्यक्ष हैं? ब्राह्मण जिला अध्यक्ष रहा, बताए ना उसमें आप? ब्राह्मण जिला अध्यक्ष रहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? अंगुली पे गिनाने की स्थिति आपकी है ना, एक वहां रहा, इतने साल में एक रहा, उतने साल में एक रहा, ये स्थिति आप लोग। गजेंद्र जी, जिस तरह से सपा में ब्राह्मण चेहरे नहीं है, जिस तरह से भाजपा में अल्पसंख्यक चेहरे नहीं है, दोनों की स्थिति सामान्य है। बिल्कुल एक्सेप्ट करें, ये इसको एक्सेप्ट करें कि जैसे अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यक खास करके देखिए, यहाँ पर कोई किसी का समर्थक नहीं है। मैं सिंपल बात आपसे पूछा हूं, जब आपने बात कहा है ब्राह्मणों की, तब मैं आपसे बात कहा हूं। अल्पसंख्यकों की जो स्थिति समाजवादी पार्टी में है, वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों के लिए है। स्थिति सामान्य है, दोनों ही बात करते हैं, ऐसी ही है। परिवारवाद की दोनों ही बात करते हैं, बड़े शहरों की, दोनों तरफ स्थिति सामान्य है, बस एक मजबूत है क्योंकि विपक्ष कमजोर है। बिल्कुल रामनिवास जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे आपने कहा नहीं, दोनों तरफ वही बात है जी, कैसे संभव है? हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ मैं नहीं, मैंने पूछा आपसे ना, मैं मंडल अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष बन गया, प्रदेश में चला गया, मैं सपना देख सकता हूँ कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूँ, क्या इनका सपना कोई देख सकता है? इनके वहां तो तय है कि अखिलेश जी के बाद जब तक रहेंगे वही रहेंगे, जब तक नेताजी रहे, जब तक हटाए नहीं गए, अखिलेश जी ने हटाया नहीं, तब तक वही अध्यक्ष रहे। अब अखिलेश जी हैं, अब अखिलेश जी तभी जाएंगे जब इनके बेटे आगे बढ़े। परिवार होता तो क्या वहाँ पे परिवारवाद नहीं होता क्या? हमारे यहाँ जिस तरह से नहीं, शिखा जी आप गलत बात मत करिए, शिखा जी आप नहीं, शिखा जी नहीं, शिखा जी गलत बात मत करिए, हमारे वहाँ एक गृहस्थ है, सभी जाति सभी धर्मों के, नहीं नहीं, अगर आप इसको परिवारवाद दिखता है, अखिलेश जी का नहीं दिखता है तो आपका नजरिया बदला हुआ। नहीं शिखा जी मैंने कहा ना कि मैं बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने सपना देख सकता हूँ, लेकिन इनके वहाँ किसी का हैसियत नहीं सपना देख ले, जो सपना देख लेगा वो सुबह निकाल दिया जाएगा, ये फर्क है इनसे। इसलिए इनसे अगर मैंने कहा कि मेरी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। गजेंद्र जी, दुनिया की सबसे बड़ी हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी में सारी जाति सभी धर्म सभी लोग हैं। बिल्कुल ठीक, ये बात तो नितेंद्र सिंह यादव जी बार बार समाजवादी समाजवादी शब्द का अपमान मत करिए, ये राष्ट्रीय शब्द है, पूरी दुनिया में समाजवादी शब्द की जो है अच्छाइयों की जो है पूजा होती है, आप बार बार समाजवादी, अरे परिवारवादी को आप समाजवादी कहिए, समाजवादी का अपमान मत करिए। गजेंद्र जी की बात सुन लीजिए, उसका सवाल ये कहिए, क्या परिवारवादी पार्टी है? आपके यहाँ दूसरा कोई अध्यक्ष नहीं हो सकता, आपके यहाँ दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, हमारे यहाँ तो अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारे वहाँ परिवार की पार्टी नहीं है, संगठन है, इसीलिए यहाँ लोकतंत्र है, इसलिए आप समाजवादी पार्टी नाम हटा के उसका नाम परिवारवादी पार्टी कर लीजिए, यही उत्तर प्रदेश जनता चाहती है, यही कारण है कि आप लगातार 4 बार से जनता आपको हरा रही, फिर भी आप समाजवादी जैसे पवित्र शब्द को बदनाम करने का काम मत करिए। ये बताए, भारतीय जनता पार्टी अटल जी के बाद क्यों चली गई थी ये बता दो, और 2 बार हारती रही लगातार लोकसभा में, क्यों हारी? उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह के बाद क्यों नहीं आई 15-20 सालों तक उत्तर प्रदेश में, क्यों हारती रही, जरा ये बताएंगे रामनिवास जी? ठीक, अरे मेरे मित्र, समाजवादी शब्द बहुत पूज्य शब्द है, बहुत सम्मानित शब्द है, अब एक परिवारवादी पार्टी में समाजवादी लिख के समाजवादी समाजवादी आप हो नहीं सकते, आप हैं परिवारवादी क्योंकि आपके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी थे, उसके बाद जो है अखिलेश जी आ गए, इसके अलावा कोई बन नहीं सकता, यहाँ तक कि आप भाई को नहीं बना सकते, नितेश जी आप भाई को नहीं बना सकते, अगर नेताजी हटे थे शिवपाल जी को बनाते, समझ में आता चलो परिवार थोड़ा अलग गई, तो दाखिल खारिज की तरह होता रहता है, इसलिए आप समाजवादी का प्रयोग मत करिए, आपसे मेरा आग्रह है, आप परिवारवादी हैं, परिवारवादी पार्टी का काम करते रहिए, तलवे चाटेगा
वही प्रधानमंत्री होगा जो उनके तलवे चाटेगा। ये पूंजीपतियों की पिछलग्गू और साम्राज्यवाद की पोषक पार्टी है। नितेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि आप एक ऑन एयर चैनल पे बैठे हैं और आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी मर्यादा को ध्यान में रखिए। बिल्कुल, ये लोकतांत्रिक शब्द है, पार्टी के अनुसार अपना आचरण कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके चैनल पे पोषक, मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से है, शब्द है पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी से मेरा प्रश्न है। आपको मैं रोकना चाहूंगी जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था आपके यहाँ है इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मेरा प्रश्न समाजवादी पार्टी से था, वही प्रश्न आपसे भी है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले के अध्यक्ष अल्पसंख्यक हैं, आप बताएं, लोकतंत्र है हमारे वहां केंद्र में मिनिस्टर जैसे जाएगा। दूसरा उत्तर, 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 जो उत्तर वो दे रहे थे वही उत्तर ये दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि सेम उत्तर दे रहे हैं, हमारे भगते हैं प्रश्नों से, ये प्रश्नों से भगने की आदत जानकारी नहीं है। अरे जानकारी नहीं है, जानकारी का भाव, एक जिला अध्यक्ष बता दे, जानकारी कहिए, एक जिला अध्यक्ष बताइए उत्तर प्रदेश में, हमारी पार्टी में एक जिला अध्यक्ष बताइए ना, का संबंध है, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी पार्टी एक जिला अध्यक्ष बता दीजिए, एक जिला अध्यक्ष बताइए, ये परिवारवादी पार्टी नहीं, एक जिला अध्यक्ष बताइए ना, साथ रहते हैं, आप नाम बताइए, आपसे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, गवर्नर हमारी पार्टी है, वहाँ विधायक है, वहाँ पर राष्ट्रपति है, पार्टी में क्या मतलब, हमारी पार्टी में ऐसी कौन सी बिरादरी है, प्रश्न ऐसा है, उसका नाम बताइए, सामान्य उत्तर है, मेरा आपसे आग्रह है कि उस एक बिरादरी का नाम बताइए जिसका हमारी पार्टी में प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, बिरादरी का नाम बताइए, मेरा क्या पूछना था आपसे, समाजवादी से पूछना, आपको तमाम मिलेंगे, आप सुनिए, मैंने आपसे कहा ना एक बिरादरी का नाम बताइए, सिंपल ये है, जैन जी सुनिए, आपको जानकारी का अभाव है, जानकारी करिए, मैंने कहा कि आपको एक बिरादरी का नाम बताइए, सुनिए, एक धर्म का नाम बताइए, उत्तर नहीं आपके पास, हमारी सिंपल बात पूछा हूँ, इसका प्रतिनिधित्व हमारी पार्टी में नहीं है, किसी जिला का, जानकारी करिए, आपको जानकारी का अभाव है, अल्पसंख्यक बताइए, मैंने पूछा आपसे, मैंने किसी मुस्लिम नहीं कहा, अल्पसंख्यक कहा, अल्पसंख्यक में कई हैं, बताइए ना मुझे कोई है, मैंने कहा आपसे ना, देखिए विषय क्या है, पूछा जाएगा, भाव है, उत्तर देंगे, जानकारी बढ़ाइए, जानकारी आप बढ़ाइए, में केंद्र जवाब किसी के पास नहीं है ना, बीजेपी के पास है ना, सपा के पास, सरकार मंत्री आयोग में चेयरमैन, यही बात है, सभी समाज के लोग, कोई कोई एक भी बिरादरी का नाम बता दीजिए, उसका उत्तर इन लोगों के पास नहीं है, हमारी पार्टी में जिलेबी जैसे घुमाते रहेंगे उसको, ये भी जैसे प्रश्न सामान्य सा है, बोलिए भाई नहीं है, चुप हो जाएंगे, आप आपको जानकारी का भाव है, जानकारी का ये आपको बात तो समाजवादी अभाव आपका चाहिए, अब वो नहीं, उसका जो स्थिति उनकी है, बिल्कुल दोनों तरफ स्थिति वही है, बस इनकी है, बीजेपी इस वक्त मजबूत है क्योंकि विपक्ष कमजोर है। देखिए बताऊं आपसे जी, राजनीतिक दल अपनी बात इसी हिसाब से रखते हैं, अपने अनुसार उत्तर ढूंढते हैं, उसका उत्तर देते हैं जी। प्रश्न कितना सामान्य था, एक जिला अध्यक्ष इनके पास नहीं है, सिंपल बोलिए भाई नहीं है, यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति चलती है और इससे परे हटना होगा राजनीतिक दलों को। सबसे बड़ी जो मैंने उनसे कहा अभी कि भाई समाजवाद जैसी विचारधारा आपके पास है जो कभी खत्म नहीं होने वाला इस देश में, नहीं दुनिया में, खत्म जब 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 भी जरूरत पड़ेगी वह विचारधारा एक ऐसा अंकुर लेकर के पुनः निकलेगा, ठीक है, हिसाब से काम कर रहे हैं। देखिए बताऊं आपसे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की व्यवस्था वो अभी अपने हिसाब से करना चाहते हैं, कुल लड़ाई स्ट्रक्चर की है, ठीक है राम निवासी, आप मेरे सवाल के जवाब दीजिए, अगर जिस योजना के साथ, जिस आपको भी लड़ना, तैयारी के साथ आप काम कर रहे हैं, बीजेपी काम कर रही है, अगर वही स्ट्रेटजी अगर सपा ले आती है तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह से इस वक्त आप ब्राह्मण वोटों को लेकर चल रहे हैं, हमारे यहाँ क्योंकि ये देखा गया है कांग्रेस और ये सपा हमारे यहाँ तो मस्जिद को छोड़ के मंदिर के चक्कर लगाने शुरू किए, सिखा जी हमारे यहाँ तो सबको साथ लेके हर व्यक्ति जो राष्ट्र की सेवा करना चाहता है उसको जोड़ने के हम लोग काम करते हैं। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी प्लेटफॉर्म देते हैं, हमारा संगठन एक प्लेटफॉर्म देता है राष्ट्र सेवा में जुड़ने के लिए, जो भी राष्ट्र सेवा में जुड़ना चाहता है हमारी पार्टी उसको जोड़ती है। अगर यही काम ये लोग करने लगे, ये हमेशा नकारात्मक काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जनता इनका भी समर्थन करें, लेकिन ये नकारात्मक बात करेंगे, अपने व्यक्ति विशेष के लिए फायदे की बात करेंगे, हमारी पार्टी में हमने राष्ट्र को सर्वोच्च रखा है कि सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद पार्टी, उसके बाद हम, और इनके वहां सबसे पहले परिवार, उसके तो बाद पार्टी, एक सवाल का यही कारण है कि जनता का पीएम कैंडिडेट नहीं, मैंने आपसे कहा हमारे एक नहीं, हमारे एक दर्जन है, जिसको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड कह देगा वो बन जाएगा, इनके वहां कौन सा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, इनके वहां तो भाई
भाभी जी भैया जी हैं, दो गलाव कोई तो है नहीं हमारे यहाँ, तो कोर ग्रुप है, प्रदेश में है, राष्ट्र में है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो तय करता है वो बन जाता है। इन्होंने, तो क्या कोई नया चेहरा आ सकता है? इन्होंने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया जी। बोल सकते हैं हमारे यहाँ 16 लोग हैं, हमारे यहाँ 16 लोग हैं, इन्होंने इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अगला चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पे नहीं होगा। नहीं, हमने कहा कि हमारे कह दिया इन्होंने, हर व्यक्ति ये कह दिया पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा तय कर देगा, वो बन जाएगा। हमारे यहाँ पद के लिए है नहीं चुनाव, ये तो ये बताए ना नरेंद्र मोदी के होने वाला है, कौन बनेगा दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष, है कोई इनके पास? हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दर्जनों लोग हैं, प्रधानमंत्री लिए दर्जनों लोग हैं, अब इनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई है दूसरा नाम? लेकिन नाम बता सकते हैं हमारे यहाँ भला भला लोग हैं, मैं तो कह सकता हूँ हमारे यहाँ जिसको पार्टी हमारे यहाँ छोटे कार्यकर्ता पार्टी कह दे कि आपको बनना है तो वो बनेगा, बड़े कार्यकर्ता जिसको पार्टी हमारी आदेश कर देती है वो बनता है। इनके यहाँ न पार्लियामेंट्री बोर्ड है न कोई कोर ग्रुप है, इनके यहाँ दो लोगों का ग्रुप भैया और भाभी का, इसके अलावा कोई है ही नहीं। इनके यहाँ कौन सा समाजवादी पार्टी है? इनके वहाँ खाली परिवारवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, वो भी अब खाली दो लोगों बची, भैया और भाभी की पार्टी, अब वो परिवारवादी भी खत्म हो गई। किसी के एक नेता का नाम बताइए जिसने देश की आजादी के संघर्ष में भाग लिया था। डॉक्टर लोहिया का इतिहास बता रहा हूँ कि लाहौर की जेलों में नहीं, अखिलेश यादव जी सिल्लियों में लिटाए गए थे, क्या योगदान है? नाखून खींचे गए नहीं, नितेश जी अखिलेश यादव जी का क्या योगदान है? जरा अखिलेश यादव के बारे में बताइए कि क्या इनका योगदान है? राष्ट्रवाद, मेरी बात सुन लीजिए, आप एक मिनट सुन लीजिए, जनता पार्टी ना भारतीय जनता पार्टी से देश की आजादी के आजादी के विषय में कोई प्रश्न पूछा जाए, प्रचारित कर रही है, इंसानियत को बांटने का काम कर रही है, देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से राष्ट्रद्रोहियों से भरी हुई पार्टी है, अंग्रेजों से मुखबिरी करने का इनका इतिहास भरा पड़ा है। जरा एक योद्धा बताइए आंदोलन में भाग ले रहा है नितेंद्र जी, आपके पास कोई सबूत? मैं ना बता दूं, मैं अच्छा सुनिए, एक सबूत दे रहा हूँ। इनके जो सबसे बड़े पुरोधा थे, हालांकि उनको मैं नहीं नाम लेना चाहता था, लेकिन आपने प्रश्न किया है, आगरा जिले की बटेसर तहसील का गजिस्टर निकाल के देख लीजिए, आदरणीय अटल बिहारी जी का नाम अंग्रेजों की मुखबिरी करने वालों की लिस्ट में लिखा पड़ी में है। आज सरकार इनकी है, अभी गजिस्टर मंगवा के देख लीजिए। मैं दावा करता हूं आपके राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके कि आगरा जिले की बटेसर तहसील और उसका गजिस्टर निकलवा लीजिए, उसमें आज भी नाम दर्ज है। मैं तो दावे से कह रहा हूं, जरा नाम बताए किसी का। इनके यहां सब मुखबिरी करने वाले लोग थे, अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, हिंदू मुसलमानों में बांटते रहे देश को, छह बार माफी मांगने वालों की लिस्ट है। इनके यहाँ जिनको सबसे बड़ा योद्धा कहा जाता है, वो छह बार लिखित माफी मांगी है अंग्रेजों से कि देश की आजादी में हिस्सेदारी नहीं लूंगा, मैं बाप जो आप कहेंगे वही करूंगा। ये है ये पाखंडी लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनको धर्म का था नहीं मालूम है। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप तर्क कर ले मुझसे कि क्या हिंदू धर्म है? राम निवास जी बताए, क्या हिंदू धर्म है? क्या कहेंगे राम निवास जी? अगर कौन सा डिबेट कर रहे हैं, बैठे हैं, हिंदू धर्म है, मैंने कहां चले जाते हैं आप लोग? यही यही दिक्कत है समाजवादी, बताइए, यही दिक्कत है, यही दिक्कत, यही दिक्कत का सामना कर रहे हैं। सनातन धर्म को खत्म कर दिया हिंदू कह करके, सनातन धर्म को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी और धर्म क्यों लेकर आए हैं? ये धर्म की बात क्यों आ जा रही है? डिबेट कहां पे है, कहां चले जा रहे हैं? बता रहा हूं कि ये पाखंडवादी लोग हैं, ये बार बार पाखंडी लोग हैं, इन्होंने भारत के सनातन धर्म को समाप्त कर दिया है। ये बार बार लगातार जिस तरीके से हिंदू राष्ट्रीयता का शब्द था 1947 से पहले का, जब ये देश हिंदुस्तान हुआ करता था और तब ये देश के लोगों को हिंदू कहा जाता था, जब ये देश इंडिया हो गया तो इस देश की भारतीयता इंडियन हो गई। ठीक है, मुद्दे पे वापस आते हैं नितेंद्र जी, आज की जो कार्यकारिणी भंग की गई है वो क्या 24 की तैयारी है, 27 की तैयारी की बात अपने कर रहे हैं, मुद्दे से कहीं और चले गए। ये राष्ट्रवाद पर जाएंगे, ये कारगानी की बात छोड़ करके, ये राष्ट्रवाद पाखंडवाद की बात करेंगे, समाजवाद छोड़ करके, परिवारवाद को मत लाया करिए। मैं डिबेट क्या करनी है, क्या बोलना है, ऐसे पागलों मत बुलाइए। राष्ट्रवादी लोग हैं कि ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, ये पाखंडी लोग हैं। नहीं, ऐसे पागल लोगों को मत बुलाना चाहिए। नहीं, थोड़ा संयम रखें, शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखें। लेकिन इस सवाल का जवाब चाहेंगे कि कार्यकारिणी को भंग तो कर दिया गया है, आखिर किस तैयारी में अखिलेश लगे, क्योंकि वो जमीनी स्तर पे जा नहीं रहे हैं और उन्होंने राष्ट्र की जगह राज्य की संभाली है। जमीन में कहां कौन जा रहा है?
क्या नरेंद्र मोदी जी जेपी नड्डा जी रोज बूथ पे काम करने जाते हैं? हर पार्टी का कार्यकर्ता होता है, सबकी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के काम बटे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करेंगे? रामपुर आजमगढ़ के चुनाव थे, कितने दिन प्रचार किए, कहां कहां गए प्रचार में? चुनाव हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं, परिणाम भी घोषित हो गए हैं, और परिणाम जो आए हैं वो बता रहे हैं कि अखिलेश ने कितनी मेहनत करी है। अखिलेश ने मेहनत दिखा रहे हैं, एक दिन भी वो गए थे प्रचार के लिए। शिखा जी, क्या 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 आजमगढ़ में नरेंद्र मोदी जी आए थे क्या माननीय प्रधानमंत्री प्रचार करने? जेपी नड्डा जी आए थे क्या? अमित शाह जी आए थे क्या? कह रहे थे कि बीजेपी मजबूत है, वो हर जगह जीतेगी, तो अखिलेश को तो मेहनत करनी चाहिए थी। बिल्कुल, तो हमें जो करनी पार्टी बनी हुई है, नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, वो एक भी दिन प्रचार के लिए नहीं गए, क्या वजह है? क्या आपने नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से पुलिस के दम पर के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न करके लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, किस तरीके से बेईमानी से? तो अखिलेश सोशल मीडिया वाली राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं जमीनी स्तर पर आ रहे हैं? खुद ओपी राजभर लगातार जमीन पर है, हमारे नेता लगातार ओपी राजभर ने स्टेटमेंट दिया था कि ऐसी कमरों से निकलने की जरूरत अखिलेश को। मैं ओपी राजभर के किसी बयान से मैं थोड़ी सहमत हो जाऊंगा। वो अब उन्होंने अपने तरीके जो समझा होगा, वो कहा होगा, वो उनको जो काम करना है वो करेंगे। हमारे पार्टी के नेता, उनको अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास है, वो उन्हें क्या करना है ये कार्यकर्ता तय करेंगे, और वो नेता तय करेगा हमारा कार्यकर्ता क्या करेगा। अच्छा, ठीक है, हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, हमें पता है। आजमगढ़ में माननीय अखिलेश यादव जी अगर 2 दिन भी प्रचार करने चले गए होते, 2 दिन, तो रिजल्ट ये नहीं होता जो आज बात है ना। नहीं गया तो आपका भला हो गया ना? किसका भला हो गया? इसके लिए आप क्यों चिंतित? तो आप मेहनत नहीं करेंगे और ठीक है दूसरे पे फोड़ेंगे। देखिए बताऊं आपसे, यहाँ मेरा आपसे ये प्रश्न है, आप उसको अन्यथा मत लें, क्योंकि आप देखिए, आप लोगों की दुर्गति आप लोगों के कर्मों से हो रही है, ठीक है। 2 दिन में वहां का निर्णय दूसरा होता है आज, लेकिन आप लोग समझना नहीं चाहते हैं आज भी। जो बिल्कुल राजनीति की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है इस वक्त, और हमारे पास समय की कमी है, हम इस डिबेट को यहीं रोकना चाहेंगे। पार्टी इतनी समाजवादी पार्टी की चिंता क्यों कर रही? समाजवादी पार्टी को अपनी चिंता करने दीजिए भाई। लेकिन एक जिम्मेदारी होती है हर एक पार्टी की, मुख्य विपक्षी पार्टी है, और अगर विपक्ष कमजोर है तो लोकतंत्र पे इसका असर पड़ता है, ये समझना होगा। मैं यहाँ बैठ करके आपको एनालाइज कर रहा हूँ, एनालाइज करके मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ कि यदि आपके मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी अगर वहां गए होते, आज वहां का परिणाम दूसरा होता, इसको मानिए। धन्यवाद आपको हमारे अपनी ओपिनियन देने के लिए, और चलिए ये गलती है मान लेते हैं, और तो 24 तो सुधार लेंगे, ठीक। धन्यवाद जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हमारे साथ रामनिवास यादव जी भाजपा से, गजेंद्र त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, और नितेंद्र सिंह जी सपा से हमारे साथ जुड़े थे। और आज हमने जो चर्चा की है वो चर्चा थी कार्यकारिणी पर, कि सपा ने कार्यकारिणी भंग की है, और जो कार्यकारिणी भंग की गई है उसके पीछे आखिर वजह क्या थी, क्या पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, या फिर अपनी गलती को सुधारेगी सपा? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके ऊपर हमने चर्चा की, जवाब चाहिए थे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में इस डिबेट का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। रामपुर आजमगढ़, ये 2 जगह के चुनाव ऐसे रहे जहां पे ये साफ तौर पे देखने को मिला है कि हाँ, अखिलेश ने कहीं ना कहीं मेहनत नहीं करी, क्योंकि कुछ और परिणाम हो सकते थे। ये जरूरी नहीं कि अगर आपको परिणाम पता है कि आप हार रहे हैं तो आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, आप उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश करनी चाहिए थी। एक एक चुनाव हर एक पार्टी के लिए अहम होता है, 24 हो या 27 हो, हर एक पार्टी के लिए हर एक चुनाव अहम है, और पूरी कोशिश करनी चाहिए, खासतौर से जब आप विपक्ष में हैं तो आपको विपक्ष में होने के नाते ज्यादा मेहनत करने की, हर एक मुद्दे को उठाने की जरूरत है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।